हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आजकल सब लोग घर पे हैं तो मेरी ही तरह आपको भी फरमाइशें आ रही होंगी कुछ तीखा चटपटा कुछ अलग बनाने की, क्योंकि सभी को स्ट्रीट फूड खाए काफ़ी दिन भी हो चुके हैं। तो चलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगा के अपनों की ये विश भी पूरी कर देते हैं। मैं ये चार स्ट्रीट फूड्स बना के अपनी फैमिली को खिला चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो अब बारी आपकी है। तो चलिए देख लेते हैं पहली रेसिपी, विच इज़ डिलीशियस पापड़ी चाट। पापड़ी बनाने के साथ साथ मुझे वड़ाज भी बनाने हैं, तो वड़ा बनाने के लिए मैंने दो तरह की दाल ली है। एक है धुली मूंग की दाल और एक उड़द की दाल। दोनों को आपने पूरी रात भर भिगो देना है। आधा आधा कप लिया है मैंने। आप चाहें तो कोई भी एक दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पूरी रात भिगोने के बाद या फिर 4 से 5 घंटे तक तो आपको भिगोना ही पड़ेगा। जब ये फूल जाएगी तो इसको हमने ग्राइंड करना है। याद रखें ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें। अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ड्राई ही ग्राइंड करने की कोशिश करें। तो मूंग की दाल को ग्राइंड करने के बाद अब मैंने उड़द की दाल को भी ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसको अच्छे से विस्क करने की। ये प्रोसीजर आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 10 मिनट तक आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि दाल फूल के लाइट ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके वड़ाज बिल्कुल स्पॉन्जी बने, बहुत ही सॉफ्ट बने, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कंजूसी ना करें। तो आप देख सकते हैं दाल कितनी लाइट हो गई है। तो अब रेडी कर लेते हैं डो पापड़ी बनाने के लिए। 1 कप लिया है मैंने मैदा और 1/4 कप लिया है सूजी। अब इसमें डाला है थोड़ा सा सॉल्ट और साथ ही डाला है जीरा, आप अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है मोयन के लिए। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। फ्लार को तेल के साथ दबा के मिक्स करें जब तक ये इस तरह से इकट्ठा ना होने लग जाए। उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंदना है। पर ख्याल रहे कि ये आटा आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो मीडियम सॉफ्ट आटा हमें पापड़ी के लिए चाहिए होगा। 5-7 मिनट इसे गूंदने में लगाएं और उसके बाद इसको आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख दें। वड़ा बनाने के लिए दाल रेडी है और पापड़ी बनाने के लिए डो रेडी है। अब रेडी कर लेते हैं इमली की चटनी, क्योंकि इमली की चटनी के बिना ये चाट बिल्कुल अधूरी है। 1 लीटर पानी में मैंने 250 ग्राम इमली डाली है। मुझे इमली सीड्स के साथ मिली थी। अगर आपको बिना सीड्स के मिल जाए तो बहुत अच्छा, इससे सीड्स को अलग करने में लगने वाला टाइम भी बच जाएगा। 10 से 12 मिनट इमली को अच्छे से बॉयल होने दें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका पल्प बनाना ईजी रहे। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसके सीड्स अलग कर देंगे। इसको मसलना पड़ेगा आपको हाथों से, तो उसके पहले अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लें। इसे कंटिन्यूसली मसलते जाएं और इसके सीड्स और जड़ें अलग करते जाएं। ये स्टेप आपको तभी फॉलो करना पड़ेगा अगर इमली में सीड्स हैं। अगर सीड्स नहीं है तो आप ये स्टेप फॉलो करने से बच जाएंगे और डायरेक्ट इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अभी इसके सारे सीड्स और रूट्स मैंने निकाल दिए हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद छन्नी की हेल्प से इसको फिल्टर कर लेंगे ताकि इसका सारा वेस्ट अलग हो जाए। फिल्टर करने के बाद बहुत ही क्लीन पल्प हमारे पास बच जाता है। अब इसका तड़का रेडी करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद हींग और जीरा डाल दिया है। इसके बाद डाल देंगे ये पल्प। 15 से 20 मिनट हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि काफ़ी देर ये बॉयल होगा तो इसका पानी भी सूख जाएगा। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद डालेंगे मसाला पाउडर। सौंफ का पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे, जीरा पाउडर डाला है, साथ ही डाल दिया है सॉल्ट व्हाइट और साथ ही डाला थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। गरम मसाला पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है और डाला है ब्लैक पेपर। थोड़ी सी मैं इसमें शुगर भी डाल रही हूँ ताकि चटनी बहुत खट्टी ना हो जाए। मसाले सारे डाल दिए हैं। अब 15 से 20 मिनट इसे अच्छे से पकने दें। फ्लेवर कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। और जब तक चटनी रेडी हो रही है तब तक हम लोग पापड़ियाँ रेडी कर लेते हैं। जो मैंने डो रेडी किया था उसके 2 पार्ट्स मैंने कर लिए हैं। 2 रोटियाँ हम इसकी बेलेंगे और उसमें से निकालेंगे छोटी छोटी पापड़ियाँ। तो मैंने पूरी रोटी इसकी बेल ली है। ख्याल रहे ये रोटी बहुत थिन नहीं होनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए। किसी कटर की हेल्प से आप एक ही साइज की पापड़ियाँ काट सकते हैं। बेलन की हेल्प से आप इसको हल्का सा प्रेस करें तो इस तरह की पापड़ी आपके पास रेडी हो जाएगी। देखिए बहुत थिक भी नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है। तो इस तरह से मैं सारी पापड़ियों को एक साथ बेल के साइड रखती जाऊंगी और उसके बाद फोक की हेल्प से आपको इसमें होल करने हैं ताकि ये फूले नहीं, क्योंकि जो पापड़ी फूलने लगेगी वो क्रिस्पी नहीं बनेगी।
तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चटनी भी तैयार हो गई है, पानी कितना सूख चुका है और काफी थिक हो गई है। तो इतनी ही थिक चटनी हमें चाहिए। अब इसे साइड रख के ठंडा होने दें, तब तक हम फ्राई कर लेते हैं वड़ाज और पापड़ियाँ। तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा पानी लगाना है हाथों में और उसके बाद जिस तरह से हम पकौड़ियाँ तलते हैं उसी तरह से हमने वड़ा रेडी कर लेने हैं। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करते जाएं, क्योंकि अगर आप इन वड़ाज को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। दो बार आपको इन्हें फ्राई करना है, तो एक बार हल्का फ्राई होने के बाद इसको निकाल लेंगे और उसके बाद दूसरे जो वड़ाज हमने रेडी करके रखे हैं उनको डाल देंगे। और जब सारे वड़ाज एक बार फ्राई हो जाएंगे तो दोबारा फिर से हम इनको एक बार फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। जब सारे वड़ाज फ्राई हो जाएं तो उनको थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद एक बर्तन में पानी डालना है, सॉल्ट डालना है और सारे वड़ाज उसमें डिप कर देने हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएं और थोड़े सॉल्टी भी हो जाएं। दही वड़ाज की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन क्योंकि हम पापड़ी चाट बना रहे हैं तो एक बार फिर से शेयर करना बनता था। तो अब उसी तेल में हम पापड़ियाँ रेडी कर लेंगे। तो एक साथ बहुत सारी पापड़ियाँ आप तेल में डाल सकते हैं और हाई फ्लेम पर इनको फ्राई कर सकते हैं। अगर फोक के साथ आपने अच्छे से इनमें होल कर दिए हैं तो कोई पापड़ी फूलेगी नहीं और फूलनी भी नहीं चाहिए। पापड़ियाँ ब्राउन होते जाएं तो बस निकालते जाएं और ठंडा होने दें। वड़ाज रेडी है, पापड़ियां रेडी है, इमली की चटनी रेडी है, आलू मैंने कुछ बॉईल करके रख दिए हैं और अब रेडी कर लेते हैं ग्रीन चटनी। तो पुदीना लिया है मैंने, थोड़ा सा धनिया लिया है, साथ में अदरक लहसुन में से कोई भी चीज आप डाल सकते हैं, थोड़ा लहसुन डाला है मैंने, हरी मिर्च डाल दी है, साथ ही डाला है थोड़ा सा आमचूर और सॉल्ट, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने डाल दिया है इसमें प्याज, इसको भी एक बार ग्राइंड कर लेंगे और चटनी रेडी हो जाएगी। वड़ाज को पानी में डिप किए हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं तो बस इनको हल्का हल्का प्रेस करके मैं निकालती जा रही हूँ। तो आपने देखा कितनी परफेक्ट और क्रिस्पी पापड़ियाँ रेडी हुई हैं। तो कोई भी प्लेट रेडी करने से पहले जितनी पापड़ियाँ आपको उसके लिए चाहिए उसे इमली की चटनी में डिप कर दें और उसके बाद प्लेट लगाएं। प्लेट में रखे हैं 3 वड़ाज और उसके बाद उसमें डाल दिया है थोड़ा सा दही, इमली की चटनी, साथ ही डाल देंगे इसमें ग्रीन चटनी। ये चटनीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। उसके बाद डिप की हुई पापड़ियाँ इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बॉयल किए हुए आलू। इस चाट के लिए ये सब चीज़ें तो एसेंशियल ही हैं। उसके बाद मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है, चाट मसाला पाउडर है और ऊपर से डाल दी है सेव। सेव डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं। तो बस आपकी पापड़ी चाट रेडी है। सेकंड रेसिपी है चना टिक्की चाट, जिसकी खुशबू से आप खुद को रोक नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल आलू। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 5 बॉयल आलू, थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाला है, कटा हुआ धनिया डाला है, अदरक डाला है और हरी मिर्च, व्हाइट सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा आमचूर, जीरा पाउडर डाला है, साथ ही रेड चिली पाउडर। बस इसके बाद थोड़ा सा दम लगा के आलूओं को मैश कर लें ताकि सारे मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। के बाद कॉर्नफ्लोर या मैदे की जगह पर मैं डाल रही हूँ इस पे चावल का आटा। तो चावल के आटे से टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे चावल का आटा डाला है और आलूओं के साथ मिला के इसका एक डो रेडी कर लिया है। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। जब तक आप टिक्कियाँ रेडी कर रहे हैं तब तक आप तेल रखते हैं गर्म होने के लिए। तो आप इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं या फिर किसी पैन में बना सकते हैं। तो पैन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डाल के इसको बना रही हूँ ताकि इसकी साइड्स भी अच्छे से पक जाएं। तो स्ट्रीट फूड कोई भी हो काफ़ी हैवी होते हैं, तो आप इसे किसी मील की फॉर्म में यूज़ करें ना कि स्नैक्स की फॉर्म में। इनको खाने के बाद अगर नेक्स्ट मील आप काफ़ी सारा सैलड खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, जिससे कि ये आपको ईजीली डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और उतना हार्म भी नहीं करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करना कभी मत भूलिए। लीजिए आलू की टिक्की रेडी हो गई है, बस इसे निकाल लेते हैं हम पेपर टाल पे। इन टिक्कीज को आप दही या चटनी के साथ वैसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप चना टिक्की चाट खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगी। तो एक पैन में थोड़ा सा मैंने डाला है ऑयल और साथ ही डाला है बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और 2 लौंग डाले हैं, प्याज का पेस्ट डाला है मैंने साथ ही में और साथ ही डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1-1.5 मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट होने दें, उसके बाद ग्राइंड किए हुए टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे हम सीजनिंग, तो सॉल्ट डाल
सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, साथ ही डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही डालेंगे चना मसाला पाउडर। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और एटलीस्ट 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छे से भूनने देना है। चाहे थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर लें ताकि ये सूखे नहीं। अब जितना ज़्यादा ये मसाला रोस्ट होगा उतना ही आपका चना मसाला यम्मी बनेगा और उतनी ही टेस्टी बनेगी आपकी चना टिक्की चाट। बस तसल्ली से तड़के को अच्छे से भूनने दें और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए चना, जो कि मैं ऑलरेडी बॉयल करके रखती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे ताकि चना और ग्रेवी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। 7-8 मिनट के बाद जब आप लिड हटाएंगे तो चने बहुत ही अच्छे खुशबू दे रहे होंगे और बहुत ही अच्छे दिख रहे होंगे। उसके बाद प्लेट रेडी कर लेते हैं। 2 टिक्की डाली है प्लेट में, उसके बाद चना डाल दिए हैं, थोड़ा सा दही डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे इमली की चटनी और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चटनी। चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे जीरा पाउडर और चाट मसाला पाउडर, प्याज डाल देंगे बारीक बारीक कटा हुआ और साथ ही डाल देंगे इसमें सेव। तो लीजिए आपकी चना टिक्की चाट रेडी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ, विच इज मैगी चीज रोल। सबसे पहले मैगी बनाएंगे जो सबको बनानी आती भी है। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के सबसे पहले मैंने गार्लिक डाला है इसमें बारीक कटा हुआ, उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, साथ ही डाल देंगे वेजिटेबल्स अपनी पसंद की, गाजर डाली है बारीक कटी हुई, साथ ही शिमला मिर्च डाल दी है और साथ ही डाल देंगे चाट मसाला पाउडर और जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट डाला है थोड़ा सा। स्ट्रीट फूड में ब्लैक सॉल्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही 1 पैकेट आटा मैगी का डाला है, आप कोई भी मैगी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि हमें सूपी मैगी नहीं बनानी है, बिल्कुल इतना डालना है कि मैगी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें टेस्ट मेकर डाल देंगे और कवर करके पकने देंगे। मैगी के साथ ही 2 चीजें हमें और ऐड करनी है जिन्हें हम अलग से फ्राई करेंगे। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कटी हुई शिमला मिर्च डाली है, साथ ही पनीर के स्लाइसेस डाल दिए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है यानी कि ब्लैक सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा विनेगर भी डाल दिया। बस इनको 2 से 3 मिनट ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। तो जब तक पनीर और शिमला मिर्च रेडी हुई तब तक मैगी भी रेडी हो गई, बस उसे भी उतार लेंगे। वो चीज़ें रेडी हो जाएं तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद रेडी करेंगे रोल। और रोल रेडी करने के लिए जो चपातियां मैंने यहाँ पे ली हैं उन्हें बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। 1/2 कप लिया है मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा यानी कि रेगुलर फ्लोर जो हम यूज़ करते हैं, और 1/2 कप लिया है मैंने मैदा, साथ ही डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 पिंच डाला है मैंने बेकिंग पाउडर का, 1 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल का। बस इसका भी हमने डो रेडी कर लेना है, नॉर्मल जैसे हम चपाती के लिए डो रेडी करते हैं वैसा ही इसका डो रेडी करना है। आप चाहें तो इसके लिए रेगुलर चपाती का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन रोल में बच्चे टॉर्टिया ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर टॉर्टिया जो आपको मिलते हैं वो मैदे के बने हुए ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप होममेड बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ऐड कर लें तो कोई बुरी बात नहीं। रोल्स में तो अनलिमिटेड वैरायटी है, बहुत सारे टेस्ट हैं। स्ट्रीट्स में जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ पर डिफरेंट तरह के रोल्स रेडी किए जाते हैं। टॉर्टिया सेम होता है, बाकी फिलिंग आप कोई भी अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। नॉर्मल जो चपाती हम बनाते हैं उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जो रोल के लिए चपाती आपको बनानी है वो साइज में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और साथ ही पतली भी होनी चाहिए। इस तरह के रोल्स को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बल्कि बहुत ही इजी है। तो दोनों तरफ से आपको चपाती को सेक लेना है। आप बटर लगा सकते हैं, होममेड बटर भी लगा सकते हैं, या फिर कोई फ्लेवर बटर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गार्लिक बटर लगा रही हूँ। दोनों तरफ से बटर लगाते हुए इनको अच्छे से सेक लें और उसके बाद हम रेडी करेंगे रोल। जिसके लिए रोटी पे सबसे पहले मैंने 1 चम्मच मेयो डाला है और उसके बाद डाल दी है स्वीट चिली सॉस, आप चाहे तो टोमेटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देना है और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला, फिर डाल देंगे हम मैगी की फिलिंग और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कैप्सिकम और पनीर की फिलिंग, देन हम डाल देंगे इस पे चीज़। आप यहाँ पे स्लाइस चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़, कोई भी चीज़ जो आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए मैगी चीज़ रोल रेडी है, आई स्वेयर आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे, तो एक बार उन्हें बना के ज़रूर खिलाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं 4th एंड लास्ट रेसिपी, ड्राई मंचूरियन। मंचूरियन बनाने के लिए पत्ता गोभी का यूज़ तो मैं कर ही रही हूँ, साथ ही मैं 1 गाजर भी डाल रही हूँ क्रश करके। आप चाहें तो अकेली पत्ता गोभी के साथ भी मंचूरियन बना सकते हैं, लेकिन इसका जूस हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, स्पेशली गाजर में बहुत पानी होता है। अगर हम पानी नहीं निकालते हैं तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फट भी सकते हैं, तो इसलिए इसका पानी निकालना ज़रूरी है। लेकिन इस पानी को वेस्ट ना करें, आप इस पानी को पी सकते हैं। ये आपके पास 1/2 ग्लास ऑफ जूस रेडी हो गया है। पत्ता गोभी और गाजर के मिक्सचर में डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और गरम मसाला। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच के अराउंड कॉर्नफ्लावर और साथ ही डालेंगे 2 चम्मच मैदा और बस इसका एक डो रेडी कर लेंगे। तो सब्जियों का एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है, साथ ही इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर और मैदा, तो इनके फटने के अब कोई चांसेस नहीं है। अब छोटे छोटे बॉल्स जैसे भी आप बनाना चाहें तो उनको बना के साइड रखते जाएं और उसके बाद हम तेल गरम करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तेल गरम होना चाहिए लेकिन इतना गरम नहीं होना
चाहिए कि डालते ही बॉल्स ब्राउन हो जाएं, और वैसे भी हमें इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। तो लीजिए, सभी मंचूरियन बॉल फ्राई हो चुके हैं। इनको हम साइड रख देंगे और उसके बाद रेडी करेंगे इसका तड़का। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद इसमें डाल दिया है बहुत सारा गार्लिक, क्योंकि गार्लिक इसका मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरा प्याज, अदरक डालेंगे बारीक कटा हुआ, साथ ही डाल दी है हरी मिर्च। उसके बाद इसमें डालेंगे हम सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद साथ ही इसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें डाल देंगे सारी सॉसेज। सबसे पहले मैंने डाली है इसमें टोमेटो केचप, साथ ही डाल दिया है रेड चिली पेस्ट। आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाल देंगे सोया सॉस, साथ ही एक चम्मच के अराउंड मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है, यानी कि सिरका। थोड़ा सा पानी डालेंगे और 3-4 मिनट इसे पकने देंगे। क्योंकि हम ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं तो हमें ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पानी ज़्यादा डल जाए तो आप इसको थिक भी कर सकते हैं। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालें, उसका पेस्ट बना के उसमें ऐड कर दें, तो इमीडिएटली आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर। तो ड्राई मंचूरियन के लिए यही चीज़ हमें चाहिए होती है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मंचूरियन बॉल्स और ग्रेवी को मंचूरियन बॉल्स के साथ अच्छे से हम कोट कर देंगे। साथ ही गार्निश के लिए दोबारा फिर से डाल देंगे हरा प्याज। तो लीजिए, यम्मी ड्राई मंचूरियन रेडी है। हमने तो एंजॉय कर लिया, अब आप भी एंजॉय करें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।